वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कुकीज पम्पकिन प्रोटीन कुकीज। कोई चीनी, मैदा या बेकिंग की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होने वाले बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। सिंपल और क्विकली बनकर रेडी होने वाली ये रेसिपी है। जब भी आपको स्नैक खाने की क्रेविंग हो आप इसको खा सकते हैं। आपने इसको बनाने के लिए लेना है ग्रीक योगर्ट, अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपकी गट और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मेटाबोलिज्म को बूस्ट करता है। फिर एड करेंगे इसके अंदर पम्पकिन प्योरी। ग्रीक योगर्ट और पम्पकिन प्योरी आप इस तरह घर पर बना सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने 4 चम्मच लिए ग्रीक योगर्ट के, 2 चम्मच भरकर मैंने लीजिए पम्पकिन प्यूरी। इसको मीठा करने के लिए ऐड करेंगे इसके अंदर किशमिश। किशमिश आपके जो स्टमक इश्यूज हैं उनको रिड्यूस करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। पम्पकिन सीड्स गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट और फाइबर, रिच इन मैग्नीशियम एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। 1 मुट्ठी भरकर आपने इनको ऐड करना है। मेरे पास थोड़े थे तो मैंने बस इतने ही इस्तेमाल कर लिए। सब चीजें मिक्स करनी है। मैंने इसके अंदर कोई और चीज इसको मीठा करने के लिए ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए किशमिश की जो मिठास है वो काफी है और बहुत मजे की लगती है फ्रोजन किशमिश। अगर आप कोई और चीज, जीरो कैलोरी स्वीटनर कुछ भी ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। फिर एक ट्रे लें, उसके ऊपर रखें बटर पेपर, कुकीज को शेप दें और इसको फ्रीज कर लें। अगर आपकी कुकीज ज्यादा फ्रीज हो जाए, आप रखकर इनको भूल जाएं, तो लें जी 1 चम्मच, उसकी बैक साइड से इस तरह आपने इसको सेपरेट कर लेना है ट्रे से बटर पेपर को, और कुकीज को आराम से निकालकर डब्बे में आपने फ्रीजर में ही रख लेना है वापस। फिर जब भी आपको कुछ ठंडा और मीठा खाने की क्रेविंग हो आप इनको निकालकर खा सकते हैं। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं।